sketches. Lot of goods behind me. I'm shifting from my this posting to new place of posting. मैं यहाँ कुछ बिहार से पंजाब जा रहा हूँ. तो this is 25th of June. आज मौसम बहुत ही blue sky and sunny weather है. एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि यहाँ पे पिछले 10 दिन से इतनी continue बारिश हो रही थी. मैं सोच रहा था shifting कैसे होगी, बट आज लकीली आज यहाँ पे बहुत धूप है. लकीली जस्ट फॉर लगेज गुड शिफ्टिंग फ्रॉम क्वार्टर टू द ट्रक. अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ पे. तो बहुत तेज़ धूप है, आप देख सकते हैं ब्लू स्काई. देख सकते हैं अभी तक 60% सामान ही यहाँ पहुँचा है नीचे. दिस इज अ कंटेनर इन वेरी वेल मेंटेन्ड कंडीशन. थोड़ा नया सा है, पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है. काफ़ी डेडिकेटेड स्टाफ आया हुआ है यहाँ पे, चार लोग हैं. तो कब जाएंगे हम कोको? हम कब जाएंगे? कब जाएंगे हम? हम दोनों साथ जाएंगे कोको. ठीक है ठीक है, हम तो गाड़ी में जाएंगे, हम ट्रक में नहीं जाएंगे. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम थोड़े दिन बाद जाएंगे. ठीक है, सामान जाने दो, जाने दो सामान. कूच बिहार. जैसा कि आपने देखा ही था कि मेरा हाउस होल्ड लगेज सब पैक हो चुका है और मेरा न्यू पोस्टिंग में सामान निकल चुका है. और आज आज है 29th और आज 29th ऑफ जून 11:42. आज मैं यहाँ कूच बिहार से ऑन सेल्फ ड्राइव यहाँ से निकल चुका हूँ. और जस्ट अभी मैं निकला ही हूँ. यहाँ पे एक अच्छा रिवर पॉइंट व्यू था. हम यहाँ से सीधा जाएंगे पालमपुर. कूच बिहार टू पालमपुर ऑलमोस्ट 2085 किलोमीटर्स कुछ ऐसा है. तो अभी हम पालमपुर में जाके घर में जाएंगे जहाँ पे पूजा एंड मानवेक एंड सब फैमिली मेम्बर्स वेट कर रहे हैं. तो कोको के लिए बहुत लंबी जर्नी है. इससे पहले भी मैं नॉर्थ से यहाँ पे बाय ड्राइव करके ही आया था. तो उस टाइम कोको उस टाइम 6 मंथ्स का था, 4 साल पहले की बात है. तो कोको ने काफ़ी इन्जॉय किया था वो ट्रैवल. उस टाइम खैर पूजा भी साथ में थी. आज सिर्फ मैं और कोको ही जा रहे हैं. जस्ट जर्नी स्टार्ट हुई है. कोको अभी थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन कर रहा है. कभी लेफ़्ट विंडो से देखता है कभी राइट. कोको को मैं थोड़ा सा नीचे उतारूँगा और मैं आपको एक बार कूच बिहार का लास्ट व्यू दिखा देता हूँ. मानसूनस में यहाँ पे किस तरह से पानी और ये सब कुछ रहता है. मैं लास्ट व्यू एक बार कूच बिहार का आपको भी दिखा देता हूँ, खुद भी देख लेता हूँ एंड देन वी विल मूव फर्दर. तो ये
ये हम थोड़ा सा रोड से नीचे आए हैं। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ तो वैसे भी शाम को आके थोड़ी देर अगर बैठ लें तो को नीचे कहाँ जा रहा है, नीचे कहाँ जा रहा है, ये तेरे जाने का है। गुड। तो ये एम्बैंकमेंट है एक तरह का, अभी जैसे वहाँ पे पानी है तो ये अभी जब फुल मॉनसून शुरू होगा, अभी जून है अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो जस्ट बूंदाबांदी चल रही है। फुल मॉनसून आएगा तो जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ इसके मतलब ये जो एम्बैंकमेंट है इसके हाफ हाफ तक तो टच करेगा। क्यों भाई कोको, चलें चलें कोको, चलें बोल बोल, हंस के बोल दे, हंस के चल, चलो कोको चलो। थोड़ा सा व्यू है कूच बिहार के रोड्स टुवर्ड्स सिलीगुड़ी, पहले सिलीगुड़ी आएगा, सिलीगुड़ी कूच बिहार से 160 किलोमीटर दूर है, और उससे आगे सिलीगुड़ी से आगे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स पे मैं आज का नाइट हॉल्ट कर लूँगा, लोगों को भी रेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा। देन फर्दर आई विल मूव टू लखनऊ, तो स्टे ट्यून्ड। सो वी आर पासिंग बाय ब्यूटीफुल टी गार्डन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी बहुत टी गार्डन्स हैं, बहुत बड़े बड़े टी एस्टेट्स हैं, ज़्यादातर टुवर्ड्स सिलीगुड़ी। Coco. So, ये सिलीगुड़ी भी यहाँ से 70 किलोमीटर है, एंड वी आर एंट्रिंग और वी आर पासिंग अलोंग विद गोरुमारा नेशनल पार्क। दिस इज गोरुमारा नेशनल पार्क, ऊपर आप बोट देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है ये, 10 किलोमीटर्स का स्ट्रेच रहेगा जो ऐसे बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट के बीच में से है। इसमें बहुत सारे रास्ते में साइन बोर्ड्स, वार्निंग साइंस लगे हुए हैं, एनिमल क्रॉसिंग जोन। मैं यहाँ इस एरिया के बारे में बता दूँ, आई एम अप्रोचिंग सिलीगुड़ी इन नेक्स्ट 91 किलोमीटर्स टूवर्ड्स राइट। ही जितना भी काले काले बादल दिख रहे हैं टूवर्ड्स राइट, ये भूटान के हिल्स हैं जो अभी ढकी हुई है। फ्रंट में थोड़ा सा दिख भी रहा है, वहाँ पे फ्रंट में थोड़ा सा दिख रहा है हिल्स, पर राइट में पूरा इसका हिल रेंज यहाँ से मूव कर रहा है जो कि भूटान है। सो दिस इज द हाईवे विच इज पासिंग वेरी वेरी क्लोज टू भूटान हिल्स। राइट में भूटान हिल्स है, अगर हम यहाँ से स्ट्रेट उस तरफ भूटान हिल्स की तरफ मूव करें तो मुझे नहीं लगता ये दिस इज मोर देन 3-4-5 ऐसा कुछ 3-4-5 किलोमीटर्स। अभी जस्ट लंच हो गया मेरा इन फ्रंट ऑफ द सीनिक व्यू। ये जो कंक्रीटिंग दिख रहा है ये सारा, ये रेलवे ट्रैक है। कोको को भी मैं यहाँ पे लाना चाह रहा था, पर गाड़ी के आसपास दो तीन काफ़ी मतलब फाइटर टाइप के डॉग्स इकट्ठे हो गए, तो कोको का पानी खाना सब गाड़ी के अंदर अंदर ही करना पड़ा। यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की थी, कोको डिसिप्लिन डॉग की तरह देख रहा है बाहर। कोको कोको पानी पी ले, सो मूविंग ऑन। लंच हो गया है, जाके कोको रिलैक्स हुआ है, अदरवाइज कोको का तो बीपी हाई था। तो ये आ गया कोरोनेशन ब्रिज, कर्व फॉर्म में है ये, सी शेप में, रेनोवेशन वर्क अभी भी चल ही रहा है, ऊपर पेंटिंग एंड ऑल सब चल रहा है। काफ़ी पुराना प्लेस।
ब्रिज जैसे ही आगे टच हो रहा है टी जंक्शन है, इसमें राइट पे सिक्किम एंड लेफ्ट पे सिलीगुड़ी। हम ऐसे लेफ्ट जाने वाले हैं, वो लिखा है उसमें गैंगटॉक राइट सिलीगुड़ी लेफ्ट, तो हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी। और ये एक बिजी रोड आ गया, अब नाउ दिस इज अ बिजी रोड। कहाँ से जी की गंदी बातें, फ्रूट्स बेच रहे हैं वो लोग, फ्रूट्स बेच रहे हैं। तुमने भी पीना है? तुम तो बहुत ज्यादा पानी पिया कोको, बहुत ज्यादा पानी पिया कोको, तुमने तो टॉयलेट भी तो करना है। आजा, पता है तुझे कहाँ पहुंचे हैं अभी? पता भी है कुछ? पता भी है तुझे? ऐसे ही कंडक्टर गिरी नहीं करेगा, कंडक्टर नहीं बनेगा मेरा? कंडक्टर नहीं बनेगा? कहाँ पहुंचे बता। सुन सुन, मैं बताता हूँ कहाँ पहुंचे। आजा आजा, हम पहुंचे हैं सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी पहुंचे हैं। जस्ट अभी हमने सिलीगुड़ी को पूरा क्रॉस किया है, मतलब ऐसा मान लीजिए सिलीगुड़ी के हम ईस्टर्न एंड से एंटर हुए, वेस्टर्न एंड से हम ये बाहर हो गए। अब हम नॉर्थ इंडिया की तरफ, मतलब कनेक्टिंग जो रोड है उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं।